इन इंडी जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जमात है खान गैंग मार्केट का ये पता नहीं कितना निर्लज है ये कह रहा था कि मैं सरकार बनाऊंगा बारह लोगों मिल करके के और खुश है कांग्रेस राहुल गांधी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे उनकी सरकार बन रही साठ साल चलाए और नब्बे निन्यानबे पर पहुंचे हो सो भी नहीं पूरा कर पाए और खुशी मना रहे अरे हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं ये मोदी जी की गारंटी है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया उससे ज्यादा तो अकेले बीजेपी को आया ये लोग इतने निर्लज हैं कि खुशियां मना रहे हैं किस बात की खुशी मना रहे हो सरकार एनडीए की ही बन रही है और आज ही जा रहे हैं शपथ देने अपना समर्थन पत्र भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है सारे लोग निर्लजता की तरह खुशी मना रहे हैं अरे भाई पहले अपने तो जुट जाए एक ममता बनर्जी अलग थी कांग्रेस को लात मारी अधीर रंजन को हराई और वो भी कर रही है एनडीए में इंडी, इंडी में है इंडी मिंडी में कौन है नहीं है कौन रहेगा जब मोदी जी ले लेंगे एक महीना में देखिएगा फिर जिस जिस राज्य का विधानसभा आएगा फिर आनंद से रहेगा ये लोग निर्लज लोग हैं ये झूठ बोल करके राज्यों में लोगों को भ्रम में डाल करके इतनी सीटें भी ले पाए हैं हम लोगों ने डंके की चोट पर विकास की चर्चा की हमारे हिंदुओं की धर्म पर सेंध मार रहे थे आरक्षण पर सेंध मार रहे थे हमने बात की हम सरकार बनाने जा रहे हैं तीसरी बार लेकिन दादा कमी गई कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी थोड़ी से अरे भाई ठीक है पूरी दुनिया में छप्पन ऐसे देश हैं जहां गठबंधन की सरकार चल रही है तीसरी बार हम तो गठबंधन की ही सरकार चला रहे थे भले हमें बहुमत भी आया तो भी हम गठबंधन की सरकार चला रहे थे रामविलास पासवान जी रहे जब शिवसेना था तो उसके रहे अभी पारस जी थे तो हम तो गठबंधन की सरकार चलाते रहे हैं बहुमत आने के बाद भी आगे भी गठबंधन की सरकार चलाएंगे लेकिन कल जो राहुल गांधी ने कहा या ने के अलग-अलग जो अलग जो नेता है वो यादव है। वो कह कह रहे रहे अखिलेश यादव कि प्रधानमंत्री जी का मार्जिन गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग इनको इस्तीफा करना चाहिए इस्तीफा करे तीन बार से कांग्रेस आंकड़े नहीं जुटा रहा है निन्यानवे पे आके अखिलेश यादव चौदह में बुरी तरह हारा उन्नीस में बुरी तरह हारा अतीस पैंतीस सीट ले आया तो छल रहा लग रहा जैसे देश में सरकार बना लिया और अस्सी सीट ले आया ये लोग निर्लज हैं एक कहानी हमारे नेता ने कहा एक गांव में दो आदमी थे दो लड़के एक फेल करता था एक डिस्टिंगशन मार्ग से पंचानबे लाया उसको आ गया नब्बे कह रहा था नब्बे लोकारित पांच परसेंट और जो फेल करता था वो केवल पास कर गया तो चल रहा था वही हाल इनका है हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं ये निर्लजता की साथ इन्होंने भी कहा था मेरी सरकार बनेगी कहां गई सरकार सरकार तो मोदी जी बना रहे हैं चिंता नहीं करें उनको ज्ञान ही नहीं है हम तो गठबंधन की ही सरकार चलाए चौदह में शिवसेना को रखा लोजपा को रखा जितने लोग हमारे साथ थे सबके साथ गठबंधन उन्नीस में भी और चौबीस में पूर्ण इंडिया की सरकार चलाएंगे हमारे गठबंधन को और हम दो सौ इक्यानवे है बिरानवे है नब्बे से ऊपर नब्बे है दो सौ नब्बे इसमें सरकार हम नहीं बनाएंगे और हमें जितनी सीट आई है उतना तो ही टुकड़े टुकड़े गैंग खान मार्केट को भी नहीं आया है खान गैंग को और नेहरू को क्या हुआ था मार्जिन से पहुंचे थे इंदिरा गांधी को क्या हुआ था वो तो पिछले दरवाजे से हार चुकी थी तो ये अपन अपना तो देखते नहीं है और दूसरे को देखने चले हैं ये लोग निर्लज हैं तीसरी बार में भी अखिलेश को तीस पैंतीस गैंग को आया है तो खुशी और कांग्रेस जो साठ साल राज किया वो इतना गुडविल नहीं हासिल कर पाया कि जनता उन्हें नंबर दे सौ भी पूरा दे